हम निकल रहे हैं कामाख्या के लिए जो कि है असम में। आ गए हैं गाजियाबाद स्टेशन, पहुंच गए हैं कामाख्या जंक्शन। बस कामाख्या के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे हम लाइन में लग गए थे। ये फोटो खींच के ये पर्ची मिलेगी। वहाँ है कामाख्या देवी जी का मंदिर। ये जितना आप ये बकरे वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे बलि वगैरह भी दी जाती है। तो ये देखो भाई साहब कब से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक दर्शन का कोई टाइम आया नहीं है। सुबह 4 बजे से लगे हैं और बज चुके हैं 1। ये देखो यहाँ पे चल रही है, ये फाइनल लाइन है, इसके बाद वहाँ पे दर्शन होंगे उसके अंदर। चलो यहाँ पे एसी वेसी लगा हुआ है तो थोड़ी रिलीफ है, अदरवाइज पूरा पीछे इतनी गर्मी हो रखी है। तो ये चाचा पापा उस लाइन में चले गए। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, पूरे 12 घंटे ऑलमोस्ट लग चुके हैं। ये पीछे देख रहे होंगे आप, ये मंदिर है मेन, कुछ इस तरह से है मंदिर का प्रांगण। काफी समय लग गया, 12 घंटे का समय लग गया हमें। तो ये है मेन मंदिर, ये 52 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ पर देवी जी का एक वो भाग गिरा जहाँ से हम सब ने जन्म लिया है। यहाँ पर मेन योनि के दर्शन होते हैं। जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हो ना मंदिर के, आपको एक अलग सी एनर्जी फील होती है। तो काफी अच्छा है यहाँ पे, पॉजिटिव एनर्जी है काफी। दर्शन करके आके बैठे हुए हैं, आके रेस्ट किया था थोड़ी देर, अब खाना खाने आए थे। तो भाई ये है रास्ता जो जाता है कामाख्या, ये है अपना होटल ओम रेजेंसी। इसका लैंडमार्क देखना हो तो कामाख्या हायर सेकेंडरी स्कूल के बिल्कुल बराबर में। हो गई है मॉर्निंग और अब हम निकल रहे हैं उमानंदा टेम्पल के लिए जो की है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो उसमें एक फेरी के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ से अभी हम ये कार बोट पकड़ेंगे और उधर जाना है आइलैंड पे। तो वहाँ पे उमानंदा मंदिर है, यहाँ पे आज कुछ त्योहार है इसलिए चल नहीं रही गवर्नमेंट वाली बोट। वो लेती है 30 रुपीज़ पर हेड, बट ये प्राइवेट है तो ये 100 रुपये एक साइड, तो मतलब 200 रुपये में आना जाना। प्राइवेट पूरे दिन चलती रहती है, गवर्नमेंट की है वो चलती है सिर्फ 8 बजे से 4 बजे तक। तो निकल गए हैं, बोट पकड़ ली हमने, ये सब फैमिली मेंबर कुछ लोगों के साथ। तो अब यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे, 1 घंटे में आना जाना हो जाता है। तो वो है आइलैंड जहाँ पर उमानंदा टेम्पल है, तो वहाँ पे हमें जाना है। ये ट्रॉलीज वगैरह भी चल रही है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, तो ये ट्रॉलीज भी चलती है वहाँ से। पहुंच गए हम इस आइलैंड पे, अब यहाँ पे है मंदिर, देखते हैं कहीं पे स्नान करने का होगा तो पहले स्नान करेंगे फिर दर्शन करेंगे। अरे 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 बिल्ली। तो वहाँ है मंदिर और ये बहुत सारी खड़ी सीढ़ियां क्रॉस करके हम ऊपर आए हैं। सोचा था यहाँ स्नान करेंगे लेकिन वो कह रहे नीचे है, अब कितना नीचे जाए स्नान करने। तो ये है जी उमानंदा टेम्पल, यहाँ पर शिव जी विराजमान है। तो ये है कुछ सीढ़ियाँ, आपको चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, एकदम शांति हो रखी है, हरियाली हर तरफ, काफी सुंदर ये मंदिर बना रखा है, काफी नीट एंड क्लीन है। तो हम वहां से दर्शन करके आ गए, उसी के बाहर नारियल पानी का आनंद उठाते हुए घर वाले। ये क्या है, मलाई? ये नारियल है, मलाई का है, तोड़ के देना। तो फाइनली निकल चुके हैं, बस कर लिया हमने वैन, एक आगे चल रही है और एक इसमें। तो
तो गाइस पहुंच गए हैं फाइनली कामाख्या स्टेशन पर। गाड़ी भी हमारी लग चुकी है और वैसे तो अभी 12 ही बजा है, 12:40 का टाइम है हमारी गाड़ी का। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी बिल्कुल एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय। तो मील ऑन व्हील्स, तो फाइनली पहुंच गए गाजियाबाद स्टेशन। हमारी 6 दिन की यात्रा हुई सफल। अब घर जाके रेस्ट करेंगे, कलेक्टिव हो जाएंगे।